अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने छत के ऊपर नसल किस तरीके से बनाए। मैं आपके मनपसंद ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके मनपसंद को कबूतर को लेते वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको नसल बनाना है, नसल कैसे बनाना है कि भैया हमारे को तो पंजाबी कबूतर का सिर्फ शौक है, पंजाबी के अलावा दूसरा नहीं, वो भी अच्छे उड़ान वाले भैया। ठीक है, वीडियो भाई पूरी देखें आप। दूसरी बात, हमारे भाई मद्रासी कबूतर का शौक है भार, हमको तो मद्रासी कबूतर छत पर होना भैया, हमारे को तो गोले कबूतर होना, क्या होना, गोले हुमर रेसर कबूतर, हमको तो वो होना भैया, हमारे को टेढ़ी कबूतर होना, हम तो वही नस्ल बनाएंगे भैया, हमारे को तो फैंसी कबूतर होना, लखा होना, लक्की कबूतर होना। ठीक है ना भाई, हमको तो ये नस्ल बनाना। वसीम भाई आप ऐसे को तरीका बताइए, ऐसी कमेंट भाई मेरे पास आ चुकी है, वो मैं कमेंट को लेते वीडियो बना रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप में आई थी। मैं आपको कुछ तरीका बताऊँगा, आपने कभी फॉलो कर लिया ना तो इंशाल्लाह आप, यानी ये मान के चलो आपके मन चाहे कबूतर छत पे आप हजारों कर सकते हो, हजारों, वो भी एक जोड़े से, यानी सिर्फ दो कबूतर से आप हजारों कर सकते हैं। इसमें लगती है मेहनत, क्या लगती है, सिर्फ मेहनत, दिमाग, टाइमिंग और कुछ नहीं। ये आपने कर लिया ना तो आपके छत पे ढेर हो जाएंगे बच्चे, आपका दिमाग काम नहीं कर रहे कि यार अब मैं क्या करूँ, इतने सारे बच्चे बना लिए, वसीम भाई मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसा बोलेंगे आप। ठीक है ना, हमने, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यानी आपका, आपको क्या करना है, आपका मन चाहा आप जोड़ा लेके आ जाओ। अब मन चाहा जोड़ा कौन सा भाई, जो आपको पसंद है। अब आपको क्या पसंद है, मद्रासी, पंजाबी, गोले, टेडी, लक्की फैंसी कबूतर, ये पसंद है, एक जोड़ा अरेंज करना ही पड़ेगा आप भाई, पैसा है ना, खर्चा करना पड़ेगा आपको, बगैर पैसे का काम नहीं चलता है। थोड़ा अरेंज कर लो आप अच्छी नस्ल का, मन चाहे आपका अरेंज कर लो, कहीं ना कहीं से कितने का आएगा भाई यार। पंजाबी का अच्छी नस्ल का भी कभी आप ले तो अच्छी प्योर ब्रेड लाइन 1500-2000 का जोड़ा आएगा, मद्रासी का भी यही है 1500-2000 का जोड़ा आएगा, जो लक्की कबूतर होता है प्योर प्योर ब्रेड लाइन का, एकदम शानदार, एकदम बड़ा फुल साइज़ का, जम्बो साइज़ का होता है लखा कबूतर, कितने का आएगा वो, 5000-6000-10000। या फैंसी में कोई सी भी नस्ल हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फैंसी में तो भाई इतनी नस्ल होती है कि दिमाग काम करता नहीं कि यार कौन से कबूतर हम छत पर रखें, कौन से कबूतर छत पर नहीं रखें। एक जोड़ा अरेंज कर लो आप, अरेंज करने के बाद में उसको लगा दो ब्रीडिंग से, अंडे बच्चे से आप लगा दो, आपने अंडे बच्चे से लगा दिए, ठीक है, तो जहाँ वो कबूतर पहले झोल के अंडे देगा, जहाँ वो कबूतरी पहले झोल के दो अंडे देंगे ना, बच्चे उससे ही पलवाओ, पहले झोल के, यानी अपने जोड़ा लेके आएगा कि भाई हमने तो वसीम भाई ने बोल दिया एक जोड़ा लेके आए, हमने जोड़ा लेके आ गए, पहले झोल के हमने अंडे बच्चे उससे बनवाना, आपको बिंदास उससे आप अंडे सिखवाओ, बच्चे पलवा लो, बच्चे पलवाने के बाद में जब वो दूसरी बार के अंडे रखेंगी ना, जैसे उसके पास दो अंडे हो जाते हैं, फौरन अंडे आप दूसरे कबूतर के नीचे रख दो, दूसरे सादे कबूतर के नीचे, तो मालूम है क्या होगा, अंडे आपने उठा के रख दिए, अब अंडे में से 18 दिन में, 16 दिन में, 17 दिन में बच्चे निकलेंगे, तो मालूम है उस बीच में क्या होगा, उस बीच में आपका वही जो मेन जोड़ा डबल से अंडे रख देगा, समझ रहे भाई आप, 18 से 20 दिन में वो डबल से आपका अच्छी नस्ल का कबूतर वो डबल से अंडे आपको दे देगा। फिर आपको क्या करना है, धीरे से उठा के फिर कोई दूसरा कबूतर खाली है जिसने अंडे वगैरह दिया है उसके नीचे फिर आप बढ़ा दो, आप चुपचाप से बढ़ाना, सावधानी से करना है, कबूतर को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत आराम से जैसे अंडे वगैरह रखती, दाना पानी नीचे खाने उतरती, उस वक्त आपको पलटाना है, फिर आप आगे बढ़ा दो दूसरे कबूतर के नीचे। यानी ऐसे कभी आपके पास सादी जोड़, यानी सादी जोड़ कभी आपके पास पाँच जोड़ रही ना, तो ऐसे करते करते पाँचों जोड़े के नीचे आपके पास मेन कबूतर के अंडे पूरे पलट जाएंगे, पलट गए ना, पांच जोड़े के नीचे अंडे आपने पलटा दिए, बस जैसे जैसे मेहनत करते करते पलटा दिए, फिर उसको एक बार गेप देना आपको जरूरी है जोड़े को, फिर उसको आप रोक दो, पलटा भी अंडे बच्चे मत कर, अब तो रुक जा कि पांच जोड़े के नीचे हो गए, उसको बिल्कुल रोक दो, नर को अलग बंद करो, मादी को अलग बंद करो, एक महीना तो उनकी खिलाई पिलाई कर दो, अटरम सटरम दाना वाना काजू बादाम पिस्ता खुराक वगैरह, तो वापस बेचारे वो एनर्जी उनके अंदर आ जाए, है ना, जब
फिर धीरे से भैया जो आपने पहले झोल के अंडे पलटाए हो आगे, दो बच्चे निकले, फिर दूसरे के पास दो, फिर तीसरे के पास दो, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते करते भाई कितने जोड़ बन जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। फिर वो जो बच्चे आपके पास तैयार होते जाएंगे ना, बस उनको आप कभी माँ बाप भी पालेंगे, उनको ही पालने दो, आप अपने हाथों से ही पालो, अपने हाथों से भी उनसे हैंड फीडिंग कराओ। बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं ना भाई, उनको चने खिलाओ, उनको टाइम टेबल से पानी दो ताकि उनका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहे। और ये टॉनिक इस्तेमाल करें आप, ये दो दवा मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, ऐसी दवा है कि आपका एक भी कबूतर का बच्चा कभी बीमार हो गया खुदा ना खास्ता, आपने सुबह दे शाम तक कबूतर सही हो जाएगा। और डाइजेस्ट के हिसाब से भी मैंने आपको टॉनिक बता दी, हफ्ते में दो दिन देना है भाई, मस्त रिजल्ट है भाई, दिल खुश हो जाएगा आपका, इतनी शानदार टॉनिक है ये। अभी दवा मिली का, ये तो कबूतर की दवा है भाई, दवा आपको मेरे पास मिल जाएंगी। अब आपके भाई ने कंपनी से कांटेक्ट कर लिया है, डायरेक्ट माल अपने पास ही आएगा, पूरी इंडिया में, पूरी इंडिया में अपने पास ही माल आएगा, और अपने पास से आप जहाँ बोलेंगे वहाँ भेज देंगे। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई, फ़ोन नहीं लगाना है, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, रिकॉर्डिंग छोड़ना है। जैसे जैसे भाई वीडियो आती जाए, जैसे जैसे आने दवा आती जाएंगी मेरे पास कबूतरों की, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा भाई, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है। कभी अब मेरे को अपने कबूतर को केयर करते हुए वीडियो अपलोड करना है, संभाल करते हुए उनकी वीडियो अपलोड करना है, हर चीज़ में गाइड करना है भाई, मैं तो करूँगा, ठीक है ना। आपने ये कर लिया ना तो भाई आपके वहाँ छत के ऊपर मन चाहे पंजाबी कबूतर, मन चाहे मद्रासी कबूतर, मन चाहे फैंसी कबूतर, गोले कबूतर ढेर हो जाएंगे भाई। अब आप बोलेंगे वसीम भाई इसमें तो भाई समय तो लगेगा, आपसे भाई बहुत से भाई सोच रहे होंगे इसमें तो बहुत समय लग जाएगा भाई, समय तो लगेगा, समय भाई मेरे हिसाब से तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ आपको पांच जोड़े सादे रख लो, एक जोड़ा मेन रख लो, बस कुछ मत करो भाई। आप ये मान के चलो एक साल में, एक साल के अंदर आप करीब भैया 40 से 50 बच्चे कर लोगे आराम से। कितने? 40 से 50 बच्चे कर लोगे। कभी आपने एकदम टाइम टेबल से ध्यान दे दिए, खिलाई पिलाई कबूतर की करते रहे, बच्चे को हाथ से अपने भी पालते रहिए ना, 40 से 50 बच्चे कर लोगे आप मन चाहे, ये होती है भाई, ठीक है भाई। ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ मैंने, इंशाल्लाह मैं हर बार ऐसी वीडियो लेके आया करूँगा ताकि आपके गाइड हो, आपको मैं समझा सकूं, और आपके मेरे समझाने की वजह से आप ये करें भाई, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़रूर दोस्तों में शेयर करें भाई। मैं ऐसी वीडियो हमेशा आप भाइयों के लिए लेते आया करूँगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वसीम भाई ये जो दवा आपसे लिए थे हमने, देखिए ये जो दवा है इसमें कबूतर की आँख से पानी बह रहा था और कुछ कबूतरों की नाक में जो है तो पानी बह रहा था भैया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कबूतर 3 से 4 दिन में पूरे फिट हो गए। ये देखो भैया ये वीडियो है, ये कबूतर पूरे फ्रेश है। उनकी आँख में से नाक में से थोड़ा पानी बह रहा था, आपकी दवा से जो है तो पूरे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अभी देखो नहीं तो पूरे जाल में जो है तो खचखच खचखच की आवाज़ आ रही थी, नाक छेनकने की आवाज़ आ रही थी, कबूतर खसखस कर रहे थे भैया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी जो है तो ये दवा है, इससे जो है तो कबूतर जो है तो खसखस करना बंद हो गए, पूरी जाल में तो खसखस की आवाज़ आ रही थी, ठीक है ना भैया। आपकी दवा अच्छी है ये माशाल्लाह।